सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है प्रीमियम मैच यानी कैश प्राइजेस की बरसात। कैश प्राइजेस बहुत सारे हैं जबकि टीम्स हमारे पास कम है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद की कहानी बाद में बताऊंगा। सो वी हैव 9 टीम्स, मैच इज़ मीरामार। तो हाँ, हो सकता है शुरू में थोड़ा वो, लेकिन ऐसी टीम्स हैं और हाईएस्ट स्केल्स के प्राइज हैं, तो मुझे लगता है कि आज होगा शुरू से बूम बाम। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल 36 पीपल आर देयर। लो भैया, 3 लोगों ने मैप ही नहीं डाउनलोड कर रखा। एन मोमेंट पे मुझे अब मैप चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं मैप चेंज कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। यार ये लोग क्या करते हैं, पहले से बताया तो चलो इरेंगल लगा देता हूँ, इन लोगों को खुश भी हो जाएंगे शायद। सो रूम का मैप चेंज करके मैंने इरेंगल कर दिया, अब स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 लोगों ने मैप नहीं डाउनलोड कर रखा था, हमेशा की कहानी हो गई है ये। बताने के बाद, बोलने के बाद इरेंगल लगाना पड़ा है मुझे। देख लो, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैंने मीरामार बोला था, खैर जिन्होंने बोला था वो आज खेल नहीं रहे, वो है नूब टीम। वो बोल रहे थे प्रीमियम एक बार मीरामार में कराओ, इसलिए मैं आज करा रहा था। सो दो भाइयों, एक चीज़ है कि आज हमारी प्रीमियम प्लेइंग टीम, सबसे खुशखबरी की बात है कि बढ़ गई है। सो करीब करीब अब 12-13 टीम्स, 14 टीम्स हो गई हैं जो प्रीमियम खेलने वाली हैं। बट आज पर अभी हमारा PMCO का जो हमारा क्लैश भी होता है, देखो किससे भाई, PMCO से। सो PMCO के वो चल रहे हैं क्वालिफायर्स, और इसलिए बहुत सारी टीम्स नहीं खेल पा रही हैं। सो अबाउट 36 टीम्स एंड विद कितनी 9 टीम्स। सो 9 टीम्स, 36 प्लेयर्स आर लाइव हियर एंड वी हैव स्टार्टेड एंड चेंज्ड इट टू इरेंगल। सो लोग देखो इतनी देर बाद जागे हिमांशु भाई हमारे यूरी 2.0 के, अब बता रहे हैं भाई जब फ्री मैच और फ्रेंडली मैच होता है ऐसे फटाफट मेरे पास आता है कि क्या कहते हैं, मेरा कर दो रजिस्टर। और जैसे प्रीमियम होता है, प्रीमियम में लोग पता नहीं कहाँ चले आते हैं। तो हमारे कुछ नई टीम्स प्रीमियम खेलने वाली हैं, जिसमें से एक ये जो पहली टीम है हेल्स गार्जियन जो आप देख रहे हो, उसके बाद दूसरी नई टीम है PBX2, तीसरी नई टीम है जॉब ब्रेकर्स, ये और स्वाट आइकोनिक। स्वाट आइकोनिक तो बिल्कुल नई टीम है, आज पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्वाट आइकोनिक। सो वेलकम स्वाट आइकोनिक ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ पबजी टाइटन्स टूर्नामेंट। और टाइटन्स टूर्नामेंट में कुछ नई टीम्स हैं जो प्रीमियम में अब बराबर खेलने लगी हैं, जैसे जॉब ब्रेकर्स, हेल और PBX2। सो हम इन टीम्स को बाद में देखेंगे। यहाँ पर हेल उतर चुकी है और जैनिश और ये जो आपकी जॉब ब्रेकर्स है, इसने सबके जॉ तोड़ रखे थे, तो ये स्टेलवार की तरफ जा रहे हैं, हेल सिवर्नी की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पर लेकिन इनसे इनका एक प्लेयर जो जॉब ब्रेकर्स का है वो बहुत दूर उतरा है, ऐसा क्यों है भाई, वो क्या सोलो खेलेगा? सो मैं देख रहा हूँ कि इनके PBX के जो एक व्यक्ति है कोई, वो दूसरी जगह उतर रहे हैं। सो हम फटाफट देखते हैं कि हमने एन मोमेंट पे मैप चेंज करना पड़ा है हमें। अभी ग्रेफिटी बैठी हुई है क्योंकि जो ग्रेफिटी का ड्रॉप पॉइंट है वो बिल्कुल एंड की तरफ है, तो ग्रेफिटी तो उतरेंगे शूटिंग रेंज। यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी किंग ऑफ यूनिटी ने भी कुद्दी मार दी है, और कुदी मारकर यहाँ पर भी मुझे 3 टीम्स नज़र आ रही हैं पास। अगर आप देख रहे होंगे तो PBX2 यहाँ पर नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको स्वाट आइकनिक नज़र आ रही है। सो हेल्स, ओके हेल्स डोमेन क्यों दिख रहा है मुझे अभी तक? भैया प्लेन चला गया, ख़त्म हो गया, चलो नीचे आ जाओ। तो ग्रेफिटी है यहाँ पर, हेल्स है यहाँ पर, और प्लेन क्या हुआ, ख़त्म नहीं हुआ प्लेन का? ख़त्म तो हो गया, तो हेल्स क्यों दिखाई दे रहा है मुझे अभी तक? भैया हेल्स डोमेन का नाम जो है छप गया है स्क्रीन पे। सो ये है स्वाट आइकोनिक टीम नंबर 7, इट्स अ न्यू टीम। इसमें है हर्ष, जोकर, यूडी, श्याम, और ये है हमारी डीएन जिन्होंने बहुत तेज़ी से राइज किया और आज जो है टॉप 3 में बराबर जगह बना रहे हैं पिछले काफ़ी मैचेस से। एक दिन हुआ था वो जो नेट था शेडो एरर का, उसने इन्हें टॉप 3 में नहीं वो तो विन नहीं करने दिया था, बल्कि टॉप 3 में तो फिर भी आए थे। नहीं, एक बीच में एक गेम हुआ था जिस दिन डेविल भाई का मैसेज आया था, हम सारे तो बॉट हैं। चलो पिछले मैचेस देख लो जिसने भी नहीं देखा, बहुत एक्साइटिंग रहे हैं पिछले कुछ मैचेस कई सारी टीम्स के लिए। सो हम जाते हैं और ये है PBX2, और PBX2 जो है वो उतरे हैं कहाँ पर, मेरे ख्याल से वाटर सिटी के आसपास। सो 7 और 4 मुझे आसपास नज़र आ रही है। सो हम फटाफट टीम नंबर 4 पे जाते हैं और देखते हैं बाहुबली जो हैं उनके सामने और कौन है। भैया हेल्स डोमेन का नाम कब तक दिखाई देता रहेगा हमको? चलो हम जरा वर्ल्ड व्यू पे जाके देखते हैं, क्या ऊँच पर जाके छूटता है हेल्स डोमेन का नाम? पता नहीं क्यों चिपक गया स्क्रीन से। और ये रही हेल्थ PBX की टीम, और PBX की टीम के सामने यहाँ पर आ रही है स्वाट आइकनिक। तो आसपास हैं स्कूल और स्कूल अपार्टमेंट्स, तो फाइट होगी फाइट।
सर यहाँ पर क्यों नाम नजर आ रहा है, हटा दो हेल्स डोमेन का, पूरी स्क्रीन पे चिपक ही गया है भाई। अलग से पैसे लूंगा मैं हेल्स डोमेन से इनकी, क्या कहते हैं इनकी ऐड करने का, कि पूरे पेज में लगता है इनका, वो पूरे मैच में लगता है इनका नाम छपा रहेगा यहाँ से यहाँ। चलो भाई हम कहीं और चलते हैं और देखते हैं कि क्या, आज तो हम ड्रॉप ड्रॉप सब देख सकते हैं। चलो भैया हेल्थ का नाम जाने का नाम नहीं ले रहा भैया, ये क्या हो गया भाई। सो 5 के प्लेयर्स देखो जरा कैसे फैले पड़े हैं चारों तरफ। टीम नंबर 5 जॉब ब्रेकर्स के प्लेयर ऊपर की तरफ स्टेलबार से लेके केमिंस्की तक फैले हुए हैं चारों तरफ से, और शेडो गई है याशनाया तो लगता है, और जो जोन बन रहा है अभी अभी हमने देखा वो बन रहा है प्रॉब्ली मिलिट्री या ब्रिज के आसपास के एरिया में ही बनेगा, बिल्कुल साउथ साइड मिड साउथ में जोन कट गया है। और KOU जो है किंग ऑफ यूनिटी, तो हम विजन को देख रहे हैं अभी, हम विजन को एक्सपेक्टेट कर रहे हैं। सो विजन के बाद ओनिक्स है। दोस्तों मैंने पूरा का पूरा मैच कैलेंडर भी आज डाल दिया है, और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, वो भी बता लेता हूँ, वो ये है कि वो ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम हो, और ऐसा ही होगा आने वाले टाइम में, चाहे प्रीमियम में पार्टिसिपेट करने वाले अभी हो या ना हो। और ये बात मैंने पिछली बार भी कही थी कि जब भी फ्री मैच होगा तो ऑब्वियसली जो उन्होंने मुझे पहले मेरे पेड एंट्री में, पेड एंट्री करके अगर किसी ने लिया है, को पार्टिसिपेट किया है, तो मैं उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता ना प्रीमियम मैचेस में, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर तो अगर मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली मुझे उनको पहले देना पड़ेगा, और यहाँ से पीछे की तरफ चल गए। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्वाट आइकॉनिक भी यहाँ से निकल गई है, सेम ग्राउंड में देखूँ तो अब स्वाट आइकॉनिक नहीं है। शॉर्ट आइकॉनिक कहाँ पर है, आइकॉनिक शॉर्ट आइकॉनिक पीछे की तरफ फॉल बैक कर गए हैं और चले गए हैं। उधर से PBX ने भी फॉल बैक कर लिया है, और PBX, ये PBX2 है और ये वाटर सिटी है, तो बहुत दूर नहीं है PBX2 शॉर्ट आइकॉनिक से भी। सो अभी तो PBX की टीम नंबर 4 के पास थे, अब टीम नंबर 9 के पास आ रहे हैं शॉर्ट आइकॉनिक धीमे धीमे। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर है, वहाँ पर उस तरफ, ये इधर है शॉर्ट आइकनिक इस तरफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो आई एम नॉट रॉन्ग। सो वहाँ पर है शॉर्ट आइकनिक उस जगह पे, और वहाँ पर यहाँ पर आपको स्वाट कैफ, स्वाट SR के आकेब और PBX हैरी नज़र आ रहे हैं, और ये लोग वाटर सिटी में लूट मचा रहे हैं। और PBX2 भी फॉल बैक कर चुकी है, और PBX2 जा रही है कहीं और। सो PBX2 मूव कर रहे हैं, पैदल ही निकल रही हैं दौड़ते दौड़ते। सामने बाहुबली हमारे दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बाहुबली को ज़रा देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं DN की टीम पर। सो DN लकी जो हैं वो यहाँ पर हाथ में DP लेकर कहाँ घूम रहे हैं। सो DN की टीम एज यूजुअल उतरी है नोवो, और KOU की टीम भी फटाफट रोटेट करके इस तरफ आ गए हैं मिलिट्री की साइड पे ही। सो साउथ साइड के आइलैंड पे किंग ऑफ यूनिटी भी आ चुकी है, ग्रेफिटी ऑलरेडी थी और DN ऑलरेडी थी। सो बाकी बची टीम जो है हमारी PBX2, PBX, जॉब ब्रेकर्स बहुत दूर हैं, हेल्स भी बहुत दूर हैं। चलो हम हेल्स को देख कर आते हैं जल्दी से, जब तक यहाँ पर फाइट शुरू होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है PBX2 और स्वाट आइकनिक और इन लोगों की फाइट जो है वो पहले शुरू होगी। सो जैसा मैंने आज बताया कि आज के मैच में दोस्तों जो है वो प्राइज मनी जो है वो पहले से ज़्यादा होगी, तो लगभग 1400 रुपीज़ का प्राइज पूल है। 400 फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन 300, थर्ड पोजीशन इज 200 एंड पर किल 10 रुपीज़ पर फॉर टॉप 3 ओनली। और एक एडिशनल प्राइज है 200 रुपीज़ का फॉर हाइएस्ट स्किल्स और 100 रुपीज़ का फॉर द सेकेंड हाइएस्ट स्किल। सो अगर टॉप 3 में इसके अलावा ये लोग होते हैं तो इनको ये प्राइज़ भी मिलेगा। सो हेल्स की टीम शूटिंग रेंज पे लूट कर रही है और मूव कर रहे हैं यहाँ से। तो अब हम सीरियल से शुरू से सारी टीम से एक एक करके देख लेते हैं। हेल्स पर हम ऑलरेडी हैं, सो हेल्स की टीम यहाँ पर लूट कर रही है। उसके बाद ग्रेफिटी की टीम जो है वो एज यूजुअल मिलिट्री बेस में है, और मिलिट्री बेस में इनका भिड़ंत जो है वो किंग ऑफ यूनिटी से हो सकती है। और फायरबर्ड ने यहाँ पर अभी भी एक स्टंट मारा है, स्टंट दिखाया मैंने आपको, ऑन टॉप ऑफ ऑन टॉप जा रहे हैं हिल के। यहाँ पर PBX की टीम जो है वो मूव कर रही है, और PBX की टीम कहाँ मूव कर रही है, ज़मीन के नीचे चले गए। अच्छा ये सो PBX की टीम इस टाइम लूट कर रही है हमारा शेल्टर। सो शेल्टर में ये लूट कर रहे हैं, हम यहाँ से शेल्टर से निकलते हैं और हम चलते हैं ज़रा जो हमारी बहुत दूर टीम थी उसके पास, पर अब ये बहुत दूर नहीं है और तेज़ी से मूव कर रहे हैं और सीधे आ रहे हैं यहीं पर। यहीं पर मतलब कहाँ पर, जहाँ पर हम अभी गए थे, यानी कहाँ पर, कहाँ पर, अरे भाई शेल्टर में, क्योंकि शेल्टर के ऊपर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और कहाँ कहाँ से रोटेट करके आए, ज़रा आपने रोटेशन देखा इनका
चलो हम रोटेशन देखेंगे बाद में। और हम जरा जाते हैं विक्रम बान सिंह को, क्योंकि इन लोगों को आ चुका होगा, सेम ग्राउंड में आ चुके हैं। जे बी एक्स जैनम बिल्कुल ऊपर से ही मूव करते हुए जा रहे हैं, पर रुक नहीं रहे मुझे लगता है, तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। हाई स्किल के प्राइस हैं, तो मुझे लगता नहीं कि आज कोई किल से भागने की कोशिश करेगा और ऑन टॉप आने की कोशिश करेगा। सो ग्रेफिटी देख लिया, पीवीएक्स देख लिया हमने, जॉ ब्रेकर्स जो हैं मूवमेंट में अभी, तो ये नहीं रुके उस तरफ, और अब ये पहुंच चुके हैं मेंशन की तरफ से गुजरते हुए, अभी भी ये मूव कर रहे हैं। दो प्लेयर्स आगे बहुत निकल चुके हैं जो कि ब्रिज पर हैं इस वक्त। और हम डीएनस के पास चलते हैं और डीएन के पास चलकर देखते हैं कि डीएन क्या कर रही है यहाँ पर। सो डीएन जो है वो ब्रिज के आसपास के एरिया में अभी लूट कर रही है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रेफिटी ने शायद एक ड्रॉप मंगाया है। इस ड्रॉप को देखते हैं, इस ड्रॉप में हम क्या है, तो ड्रॉप हो चुका है खाली, और ये नई सरकारी ड्रॉप था ये, और इसको खा चुके हैं और प्रॉब्ली ग्रेफिटी ले जा चुके हैं इस ड्रॉप को। सो यहाँ पे ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ की फाइट शुरू हो गई। सो फटाफट हम ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ पे जाते हैं, और ग्रेफिटी की मैंने जैसा कहा था कि अरे पीबीएक्स की टीम से फाइट हो रही है, पीबीएक्स टू यहाँ पर आ गई रोटेट करते हुए, और पीबीएक्स टू से फाइट हो रही है, और पीबीएक्स टू के पीछे सामने जो है फाइट चल रही है। पीबीएक्स टू को हिट भी दिया है अभी अभी, और यहाँ पर नॉक भी किया है। सो हम सेम ग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं कि पीबीएक्स में कौन सा व्यक्ति नॉक हुआ है। हैरी अभी इंटैक्ट है, स्वाट कैफ ऊपर आकिब यहाँ पर नॉक हो गए अभी अभी हमारे सामने ऑन टॉप ऑफ इज, और गाड़ी से पीबीएक्स हैरी को खत्म कर दिया है अभी अभी, गाड़ी से हैरी नॉक हो गए हैं। सो यहाँ पे ऑन टॉप ऑफ ऑलरेडी एक किल निकाल चुके हैं, सो पहली जो हाईएस्ट किल में, और अभी बिल्कुल फिनिश करने की भी कोशिश करेंगे, पर सामने से स्वाट कैफ और स्वाट एसआरके ने संभाल रखा है अभी भी ग्राउंड और पीबीएक्स टू की तरफ से। सो ग्रेफिटी एक और किल कंफर्म की ग्रेफिटी ने पीबीएक्स हैरी की, और दो लोग शॉर्ट हो गए शुरू में ही पीबीएक्स टू ने कल बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप कल का गेम प्ले देखिए, सारे मैचेस के में डेट्स पड़ी हुई हैं, तो आप कल का मैच देख सकते हैं जो भी 26 जुलाई का है। और आपको हमारे मैचेस और टूर्नामेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में अबाउट वीडियो देखो, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको। सो फाइट यहाँ पर बराबर चल रही है मैच के शुरू के हिस्से में, प्रीमियम में 9 टीम होने के बावजूद हमें यहाँ पर फाइट देखने को मिल रही है, और हम यहाँ पर जाते हैं पीबीएक्स स्वाट और कैफ पे फटाफट। क्या स्वाट पे शॉट्स आए थे एसआरके पे, तो एसआरके अपने आप को हील कर रहे हैं ब्रोकन वॉल के पीछे, स्वाट कैफ कब्जा जमाए हुए हैं वहाँ से ऑन टॉप ऑफ, और वैम्पायर मुझे मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा वैम्पायर भैया के पास चलते हैं और देखते हैं मूवमेंट में किस तरफ जा रहे हैं। सो ऑन टॉप ऑफ ये रहे, ऑन टॉप ऑफ का गेम इज ऑन टॉप ऑफ, फायर बर्ड इज हेयर, आज नो मर्सी, कोई मर्सी नहीं दिखाने वाले लगता है मुझे पीबीएक्स टू पे, और पीबीएक्स टू पर टूट पड़े हैं चारों तरफ से ये लोग। अब लगता है यहाँ से स्वाट कैफ और एसआरके निकलने की फिराक में है, सो पीछे से शॉट्स आने की उम्मीद है, शॉट्स आए भी लेकिन यहाँ से निकल लिए। सो फॉल बैक कर गए इस वक्त पीबीएक्स टू के प्लेयर, मे बी क्योंकि दो लोग शॉर्ट थे और पोजिशन बनाने का पहले टेंशन होता है, तो ये तो भैया पीएमसीओ में भी होता है, ठीक है, पीएमसीओ में भी सब चाहते हैं भैया पहले पोजीशन बनाए, क्योंकि आपको पता है पोजीशन के कितने हाईएस्ट पॉइंट होते हैं। सो यहाँ से निकल गए हैं, तो हम वापस चलते हैं ग्रेफिटी पे, और ग्रेफिटी देखते हैं भैया, ग्रेफिटी ऑलरेडी दो किल अपने नाम कर चुकी है एज यूजुअल, ऑसम गेम प्ले। चलते हैं हम शेडो पे, और शेडो को बनना उनिक्स भैया बहुत मारेंगे, कहेंगे भैया तुम देखते नहीं हो हमारा गेम। सो हम चलते हैं एरर को देखते हैं, एरर का नाम एरर नहीं होना चाहिए, ही मेक्स नो एरर, और ओनिक्स इज हियर, और एक ही गाड़ी में, तो हम अलग अलग करके क्या देखें इन लोगों को, और इनको पहुंचने देते हैं पहले किसी जगह पर, और ये फार्म के आसपास पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी ये पहुंचने वाले हैं यहाँ जहाँ पर बैठी है पीबीएक्स की टीम। सो अभी ये लोग मूव करके इसी तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर ये पीबीएक्स की टीम है, और ये लोग मूव करके कहाँ से आ रहे हैं, सो बिल्कुल यहाँ पर पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी ही, यहाँ पर आने वाले शेडोज आ जाओ जल्दी, कहाँ पे हो, पीबीएक्स की टीम यहाँ पर है, और यहाँ पर डीएन डेविल ने जॉ ब्रेकर्स और डीएन की फाइट शुरू हो गई है। हम फटाफट यहाँ पर चलते हैं, ये हुए जेनिल जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम जाते हैं सेम ग्राउंड पर और देखते हैं कि और कौन है। ये जैनम जो है पीछे की तरफ कहाँ चले गए, यहाँ पर डेविल और लकी वगैरह जो है मुझे नजर आ रहे थे अभी अभी, इन्होंने जेनिश को नहीं, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बार बार, अच्छा गाड़ी नहीं चल रही ऊपर,
जेनिल को किया था शायद, और जेनिल जो है टॉप पर पहुंच चुके हैं और ये हैं मिलिट्री वाले उसमें ही। तो सारी टीम्स आ चुकी हैं एक्सेप्ट फॉर पीबीएक्स। बाकी यहां पर मुझे ग्राफिटी जो है वो दिख रही है क्या करते हुए, ब्रिज कैंप करते हुए, और सामने से इनके जबड़े में चली आ रही है टीम नंबर टू। और टीम नंबर टू जैसा कि आपको पता है कौन है, हेल्स गार्जियन। और इसने, अरे वहां पर जेनिल की ने डीएन गोकुल को नॉक कर दिया है। हम यहां पर क्या देखें, हमने आज तक अपने मैच में कभी भी ये नहीं देखा, क्या बोलते हैं इसे, ब्रिज कैंप नहीं देखा, इसलिए हम ब्रिज कैंप देख रहे हैं। यहाँ पीछे आप देख रहे हो, यहाँ वैम्पायर भैया गाड़ी के आगे लटके हुए हैं, फायरबर्ड पीछे लटके हुए हैं, और यहाँ पर भागते हुए चले आ रहे हैं, शॉट्स आ रहे हैं, गाड़ी को स्विच कर रहे हैं। डेमेन की जो है नॉक निकल गया, डेमेन को अभी अभी नॉक किया है अभी भी यहाँ पर, और फायरबर्ड ने फायर लेनी शुरू की है। डेमेन की किल कंफर्म कर रहे हैं, या गाड़ी फोड़ कर हेल डेमेन की किल कंफर्म कर दी। बाकी की टीम पीछे की तरफ ही रुक गई है, बाकी की टीम जो है हेल ब्रॉली जो इस तरफ बैठे हुए हैं। डेमेन की किल निकल गई है, एक शॉट हो गए, ग्रेफिटी के नाम एक और किल चली गई है। सो यहाँ पर विजिलेक्स जो बीचों बीच रोड में लेट गए हैं, और बीचों बीच मैम फटाफट विजिलेक्स पे चलते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं विजिलेक्स आखिर करना क्या चाहते हैं। तो बिना कवर के सामने लेट गए थे ये, और सामने मुझे स्मोक्स नजर आ रहे हैं। सो ये शीशे वाले कपड़े पहन के, नहीं 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 चेक्स वाले कपड़े। सो ऊपर कोई नहीं है, ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे, उधर देखते हैं जरा। फायरबर्ड यहाँ पर बैठे हुए हैं ऑन टॉप ऑफ इस तरफ हैं, वैम्पायर जो है ऑन टॉप ऑफ हैं, नो मर्सी जो है वो भी साइड टॉप पे है, और एक और बहुत अच्छा शॉट लिया नो मर्सी ने, कार 98 का फटका पड़ा ब्रॉली को। सो ब्रॉली को शॉट पड़ा था, ब्रॉली अपने आप को हील कर रहे हैं, पट्ट से पड़ा था शॉट। और यहाँ पर हैं वैम्पायर भैया ने, अभी खून नहीं पिया, बाकी सब लोग इनकी टीम में खून पी चुके हैं। सो ऑन टॉप ऑफ हिज गेम एंड ही इज देयर, नो मर्सी की तरफ से ज़्यादा अच्छा एंगल मिल रहा है। यहाँ पर के यू मैनियाक ने ऐसा ही शॉट आइकोनिक और के यू की फाइट शुरू हो गई है। शॉट आइकोनिक के पास चलते हैं जल्दी से हम, और SI की फाइट चल रही है। एक प्लेयर शॉट कर दिया, शाम की किल निकाल दी, जोकर जो है पानी में डूबे हुए हैं, हर्ष की भी किल निकल गई, और ये लोग सारे के सारे फंस गए हैं पीछे की तरफ। और पीछे से किंग ऑफ यूनिटी जो है वो इनकी किल निकाल रही है, और शॉट्स आए इनके ऊपर, किंग ऑफ यूनिटी शाह के और जोकर की किल आपके ऊपर निकल गई। ये लोग ऊपर की तरफ हैं, बाकी नीचे की तरफ हैं, आप देख सकते हैं कि अभी अभी किल निकल गई HD की। तो पहली टीम जो आउट हुई इस कॉम्पिटिशन से वो थी हमारी जो न्यूली टीम थी शॉट आइकोनिक। कोई बात नहीं, ये पहली बार है, आगे बार अगली बार देखेंगे। तो वैसे ये PMCO क्वालिफायर्स खेल रहे थे आपको बता दूं, तो इनको हल्के में मत आंकिएगा आप लोग। और हम जरा जाते हैं अपनी जॉब ब्रेकर्स, अभी इंटैक्ट है, हम जॉब ब्रेकर्स की और डीएन की फाइट, ग्रेफिटी की फाइट वहां पर शुरू हो गई वापस। तो हम ग्रेफिटी के पास आ गए हैं वापस, और ग्रेफिटी के हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर हैं। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर कम कर दिया था, यहाँ पर नो मर्सी बराबर शॉट लेते जा रहे हैं। और अगर मैं वहाँ पर देखूँ तो फिर से ब्रॉली, विजिलेक्स इंटैक्ट है, प्राइम के ऊपर शॉट हुआ था ये जो नॉक हुए थे, और हम वापस आ गए इस अपने ब्रिज कैम्प को देखने के लिए। सो देखा दोस्तों कितनी जल्दी मैंने स्विच करके उधर की भी फाइट दिखा दी आप लोग को, किंग ऑफ यूनिटी की। आई एम इम्प्रूविंग हो। ओ वैम्पायर भैया ने शॉट्स लिए, कनेक्ट भी हुए थोड़े बहुत, नहीं कनेक्ट हुए भैया, ही हेल्थी बहुत है, मतलब ये जो है हमारी DPR देखो कैसे ऊपर नीचे सांप की तरह डोल रही है। ओहो ओहो शॉट्स पड़े, शॉट्स कनेक्ट हुए। चलो हम देखते हैं ऑन टॉप ऑफ की तरफ से शॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। नो मर्सी की तरफ से, नो मर्सी तो चढ़ गए भैया टॉप पे, कह रहे हैं कोई वांदा नहीं है। हेल्स गार्जियन ने एक बार ऑन टॉप ऑफ को पूरा, ग्रेफिटी को पूरा फिनिश किया था, अगर आपको याद हो तो देख लीजिए, एक पिछला गेम इरेंगल का ही गेम था। मुझे चेंज इरेंगल करना पड़ा है, फिर से बता देता हूँ जो लोग अभी लेट वीडियो देख रहे होंगे उनको कि सो यहाँ पर अभी भी जो है ये सेम ग्राउंड में आई, हेल्स कहाँ चली गई, ओ वो हेल्स ने वहाँ से निकल लिए, हेल्स ग्रेविटी को छोड़ा, कह रहे भैया तुम देखो। चलो हम चलते हैं दूसरी टीम्स पर, देखते हैं PBX यहाँ क्या कर रही है। सो हेल्स घूमकर जाने की दूसरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। यहाँ पर करण शाह अपने आप को हील कर रहे हैं। सो इनकी प्रॉब्ली फाइट किससे चल रही है, JBX की टीम से चल रही है। सो JBX और वहाँ पर DN दोनों तरफ हैं, DN के साथ फिर वही समस्या कि DN फंस गए हैं दो लोगों के बीच में। एक तरफ का जबड़े का नाम है जॉब ब्रेकर्स, और दूसरी तरफ के जबड़े का नाम है PBX।
सो पीबीएक्स ऊपर देख रहे हो आप, अगर मैं आपको दिखाता हूँ सबकी पोजीशन वर्ल्ड व्यू पे जाकर, अगर आप देख रहे हो तो वहाँ ऊपर है जॉब ब्रेकर्स, यहाँ है डीएन डेविल्स और इधर है पीबीएक्स। बाहुबली ने कुछ शॉट्स जरूर लिए, डेविल बीच में है और यहाँ पे है, तो फिर से सैंडविच सिचुएशन डीएन ई स्पोर्ट्स के लिए, और ये कहीं खतरनाक तो साबित नहीं होगी इनके लिए। लेट्स सी कि कौन कहां कहां है घूम घूम के चारों तरफ से। यहां पर विक्रम बान सिंह पे शॉट्स आए थे और विक्रम बान सिंह अपने आप को हील कर रहे हैं अभी अभी, और घुटनों के बल पीछे कोई मदद की भीख मांग रहा है इनसे बाहुबली। वहां पर स्मोक्स और नेड्स की बारिश शुरू हो गई है, सो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहां पर स्मोक्स आए हैं अभी अभी, स्मोक्स किए हैं ताकि पीछे की तरफ यहाँ पर ब्रोकन वॉल पे शॉट ना आए। करण शाह उस तरफ से हैं जो स्मोक्स किए जा रहे हैं बराबर, और स्मोक एक बहुत पीछे आके गिरा है, यहाँ पर भी स्मोक्स बराबर किए जा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, स्मोक्स वॉल्स बना रहे हैं ताकि ऊपर के शॉट से बच सके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर्कल बहुत छोटा हो चुका है, एल्स ब्रॉली भी घूम कर बहुत दूर से अंदर की तरफ आ चुकी है। यहाँ पर किंग ऑफ यूनिटी और ग्राफिटी की बहुत क्लोजनेस बढ़ती जा रही है। ओ ग्रेनेड आया, यहाँ पर कोई बचा पे पड़ा, कोई नहीं हुआ और निकल गई यहाँ से। पीबीएक्स की टीम भी निकल गई, सबको चाहिए भाई, पीएमसीओ हो रहा है हमारा बिल्कुल। हाँ, पीएमसीओ से कम ना रह गया पबजी टाइटंस टूर्नामेंट। देख रहे हो क्या हो रहा है कि निकल गई यहाँ से और वहाँ सामने से आ रही थी हेल्स। सो पीबीएक्स जो है यहाँ से फॉल बैक कर चुके हैं और फॉल बैक करके आ गए हैं शेड की, और हम देख रहे हैं पीछे से आ रही है हेल्स। सो हेल्स भी इसी तरफ से निकल रहे हैं और यहाँ पर डीएन डेविल ने हेल्स के ऊपर शॉट लिए, कई सारे शॉट कनेक्ट हुए, डैमेजेस हुए हेल्स को, लेकिन हेल्स अभी भी जो है बचकर यहाँ से निकल आए हैं। और अगर हेल्स प्राइम बिल्कुल गिरते गिरते बचे हैं, हेलमेट खत्म हो चुका है इनका। सो यहाँ सर देख रहे हैं कि हेल्स के बाकी लोग भी शॉट ले रहे हैं, देखते हैं विजिलेंस वगैरह डीएन पे शॉट्स ले रहे हैं अभी भी। इनको नहीं पता कि वहाँ ऊपर की तरफ एक टीम और थी जो नीचे उतर चुकी है। ओके ओके, सो सैंडविच सिचुएशन से बाहर आ गए थैंकफुली, और यहाँ से शॉट्स बराबर जो है विजिलेंस बराबर लेते जा रहे हैं डीएन लकी ओके ऊपर। सो एक टीम गई, दूसरी आ गई डीएन के ऊपर, और ये दोनों ही लोग अभी आउट ऑफ द जोन है, जॉब ब्रेकर जो जोन में मूव कर रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइम जो है शॉट्स ले रहे हैं, डीएन की टीम यहाँ से निकल रही है, लेकिन निकलते निकलते कुछ शॉट्स लेकर जा रही है, और डीएन की टीम जो है भागते हुए सीधे ही सीधे जा रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि जॉब ब्रेकर्स के आसपास। सो यहाँ पर जॉब ब्रेकर्स पे बराबर शॉट्स भी ले रहे हैं। सो हम फटाफट जाते हैं और देखते हैं कि जॉब ब्रेकर्स के ऊपर कौन शॉट्स ले रहा था, और ये ऐसी जगह का अगर गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे भाई, बन गया। ये हमने पहले भी देखा है ना दोस्तों। सो जेनिल यहाँ पर ले रहे हैं, वहाँ पे उनके हाई ग्राउंड से गिरकर एक बंदा जो है वो घायल हो चुका है। जेनिल अभी अभी शॉट लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको जेनिश नॉक पड़े हुए दिख रहे हैं, डीएनई जो है वो उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं और किल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल ने किल कन्फर्म कर दी जेनिश की। सो जेनिश अब एक नंबर बंदा शॉट हो चुका है और यहाँ से बाकी लोग उनको छोड़कर निकल भी चुके हैं। बहुत अच्छा डिसीजन आई वुड से, ऐसे टाइम पे कोई बुरा डिसीजन नहीं है अपने, क्योंकि अगर आप जोन से भी बाहर हो, सामने टीम भी है, तो दूसरी टीम को एंगेज होने दो और आप पहले जोन में जाओ। सो जोन में अब सारी टीम्स पहुंच चुकी है, अभी भी आर्थिक है। यहाँ पर शेडो की और ग्राफिटी की फाइट शुरू हो गई, क्या बात कर रहे हैं। चलो शेडो और ग्राफिटी पे मूव करते हैं और देखते हैं कि सेम ग्राउंड में शेडो और ग्राफिटी जो है आपस में कैसे फाइट कर रही है। हम आ गए क्रोटो उसके ऊपर और फटाफट हम जाएंगे ओनिक्स पे। सो शेडो के विजन को देखते हैं फटाफट, विजन ने शायद शॉट्स लिए थे यहाँ पर, विजन की विजन दूर तक जा रही है। ओनिक्स भैया कहाँ पर है, ओनिक्स भैया भी यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं। सो अब सारे लोग हैं यहीं पर, टीम नंबर 6 की तरफ से ग्रेफिटी के ऊपर बराबर शॉट चल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे साइड में शॉट लेते हुए। कौन, क्या नाम है भैया तुम्हारा, क्रैटोस भैया। सो क्रैटोस भैया ने अभी अभी शॉट्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज अभी ग्रेफिटी को नहीं हुआ है, पर ग्रेफिटी के वैम्पायर ऑन टॉप पे हैं। फायरबर्ड भी यहीं पर हैं, दो किल्स निकाल चुके हैं, फ्लैंक कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्लैंक करके दूसरी डायरेक्शन से जा रहे हैं। पीछे आपको हेल्स की टीम भी नजर आ रही होगी, अभी भी 8 टीम है। यहाँ पर देखिए फिर से फाइट शुरू हो गई स्वाट की, और स्वाट की फाइट इस तरफ चल रही है जॉब ब्रेकर्स के साथ, स्वाट नहीं सॉरी पीबीएक्स 2 यार, नेम चेंज करो, ये कैफ और क्या कहते हैं एसआर के नाम चेंज करो। और यहाँ पर देख रहे हो आपकी जेबीएक्स धीर ने उधर इनकी नॉक निकाला और कैफ ने यहाँ पर जो है दो किल्स कंफर्म कर दी। सो यहाँ पर शेडो की वहाँ पर फाइट चल रही, फटाफट शेडो पे मूव करते हैं भाइयों और दोस्तों, चलते हैं शेडो पे वरना मेरे को ओनिक्स भैया बहुत मारेंगे। ओ तो ओनिक्स भैया तो रहे ही नहीं गेम में,
वहाँ पर JBX धीर की किल कंफर्म कर दिया और PBX 2 ने मेरे ख्याल से शेडो को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर क्रेटोस अकेले फाइट ले रहे हैं और DN के बाकी टीम्स के ऊपर टूट पड़े हैं और पूरी की पूरी टीम खा गए। ओ बाय गॉड, क्रेटोक्स ने विजिलेक्स वगैरह सबको, हेल्स की टीम को पूरा पूरा, सॉरी डीएन की नहीं थी, उनकी टीम थी, हेल्स की टीम थी और हेल्स की पूरी टीम खा गए अकेले क्रेटोस। ऑसम बॉय। और यहाँ पर PBX जीत, बाहुबली और करण शाह जो है यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ग्रेफिटी यहाँ पर है, फटाफट जाते हैं क्रेटोस। व्हाट अ ऑसम गेम प्ले। आज ओनिक्स का दिन नहीं था, ओनिक्स और एरर खत्म हो चुके हैं और शेडो विजन एक किल लेकर खत्म हो चुके हैं। डीएन की टीम यहाँ पर मूव कर रही है। सो यही होता है ओनिक्स भैया, जब हम दो टीम्स की आपस में फाइट देख रहे होते हैं ना एक साइड, यहाँ पर हमने ये वाली फाइट मिस की, वहाँ जाने के चक्कर में वहाँ किल निकल गई। सो इसलिए मैं मूव नहीं करता जब एक फाइट पे होता हूँ। सो यहाँ पर सेटो ने, इन्होंने जॉब ब्रेकर्स को पूरी तरह फिनिश कर दिया है, जो आखिर PBX के दो प्लेयर्स बचे हुए थे हवा में, नहीं सॉरी किंग ऑफ यूनिटी भी शॉर्ट चल रहा है इनके। हम किंग ऑफ यूनिटी की तरफ जाते हैं कि अभी दो प्लेयर्स बचे हुए हैं PBX 2 के, लेकिन ऑसम गेम दिखा रहे हैं। यहाँ पर PBX 1 भी क्लोज इन करती हुई नजर आ रही है किंग ऑफ यूनिटी पे। सो PBX 1 नहीं है, PBX आले है और PBX 2 है, दो अलग अलग है। सो PBX की टीम ने अभी तक एक भी किल नहीं निकाली है यार, क्या करो बाहुबली, किल निकालो। सो बाहुबली यहाँ पर ले रहे हैं, जीत ले रहे हैं यहाँ पर, जो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं एनिमीज को कौन कहाँ पर है, और DP में 3x लगाकर जीत भैया हवा में उड़ गए। विक्रम भान सिंह सपोले बने हुए हैं, यहाँ पर ग्रेफिटी की पूरी टीम इंटैक्ट है और बाहुबली की पूरी टीम इंटैक्ट है, क्रेटोस अकेले बचे हुए हैं। फिर से हम क्रेटोस को देखते हैं, पर क्रेटोस बहुत अच्छी जगह है, अभी भी जोन के अंदर है। DNA की टीम भी अच्छी जगह पहुंच चुकी है, बिल्कुल जोन के अंदर है, DNA की टीम इंटैक्ट भी है और जगह पर भी है। स्वाट की टीम जो है वो अभी भी मूवमेंट कर रही है, और फिर स्वाट निकल रहा है। PBX 2 की टीम अभी भी इंटैक्ट कर रही है यार, रीनेम काट दो इनको भाई, SRK को और कैफ को, और बोलो कि PBX 2 हो जाए ये जल्दी से। सो हैरी खत्म हो चुके हैं, आकिब को भी रीनेम कार्ड की ज़रूरत है, किंग ऑफ यूनिटी पूरी टीम बची हुई है अभी तो, एक दो तीन चार पूरी टीम्स बची हुई हैं, एक का एक प्लेयर और एक के दो प्लेयर बचे हुए हैं, आप देख रहे हैं साइड में, इसीलिए स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। सो अभी तक फिनिश होने वाली टीम्स हैं, शेडो जो है वो गेम से बाहर हो चुकी है, अभी भी टॉप 6 टीम्स हैं। सो अभी भी सिर्फ 3 टीम्स हैं जो गेम से बाहर हुई है, जिसमें से एक हेल्स को क्रेटोस ने चबा डाला बिल्कुल बुरी तरीके से, टूट पड़े उनके ऊपर आकर और साफ कर डाला। मतलब दो ही किल्स ही हैं उनकी, क्योंकि पहले शायद उनके टीम मेंबर्स ने किसी को नॉक किया होगा या पहले से शॉट्स लेके नॉक आए होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो रिवाइव कर रहे थे और दो किल्स निकालने के बाद वो ऑलरेडी जो नॉक्ड प्लेयर थे वो फिनिश हो गए। सो ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ पे KUU के मैकेनिक ले रहे हैं शॉट, और PBX जीत ने ग्रेफिटी को नॉक कर दिया है, तो जीत की तरफ चलते हैं। उधर से भी शॉट्स आ रहे हैं, ग्रेफिटी फंस गई है टू साइड सैंडविच सिचुएशन में, और ग्रेफिटी के ऊपर दो तरफ से शॉट आ रहे थे। अभी हमने देखा कि विक्रम बान सिंह शॉट ले रहे थे, बाहुबली की दो साइड से ग्रेफिटी के ऊपर घेर लिया है ग्रेफिटी को, और ग्रेफिटी के ऊपर जीत ऊपर से शॉट ले रहे हैं, इधर से करण शाह और बाहुबली भी शॉट ले रहे थे, PBX जीत यहाँ पर खड़े हुए शॉट्स ले रहे थे, और कोई भी शॉट ले रहा था, किंग ऑफ यूनिटी की तरफ से शॉट आ रहे थे शायद, हाँ जी किंग ऑफ यूनिटी की तरफ से भी शॉट आ रहे थे। सो ये दो तरफ से फंस गई है ग्रेफिटी, और ग्रेफिटी के दो प्लेयर हो गए कम इसी जगह पर। सो रिवाइव हो रहा है यहाँ पर ग्रेफिटी ऑन टॉप ऑफ ने वैम्पायर ने को रिवाइव दिया है, किंग ऑफ यूनिटी जो है क्लोज इन कर रही है, उधर से PBX क्लोज इन कर रही है, दो लोग शॉट हो गई है ग्रेफिटी की टीम, और किंग ऑफ यूनिटी फ्लैंक कर रहे हैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, किंग ऑफ यूनिटी पे शॉट ले रहे हैं ऑन टॉप ऑफ, थोड़े से शॉट कनेक्ट हुए, ओ नहीं निकला, नॉक नहीं निकला अभी। यहाँ पर आपको पीछे PBX 2 भी नज़र आ रही है, स्वाट के स्वाट वीर SRK और यहाँ पर कैफ, SRK और कैफ नज़र आ रहे हैं, स्वाट को बोलूँगा ही नहीं अब। नीचे टीम नंबर 8 आपको DNE की नज़र आ रही है, टीम नंबर 8 जी हाँ, DNE स्पोर्ट्स नीचे की तरफ थी जिस तरह अभी ऑन टॉप ऑफ ने देखा था। हम फटाफट भाग कर चलते हैं और देखते हैं क्रेटोस भैया कहाँ हैं, क्रेटोस भैया फंस गए हैं जोन में, जोन से नॉक होने की पूरा पूरा अंदेशा है, सामने से इनके ऊपर आ रहे हैं ग्रेफिटी, वैम्पायर ने इधर नेड कर दिया है। सो वैम्पायर के ऊपर फटाफट चलते हैं हम, यहाँ वैम्पायर को देखते हैं, वैम्पायर ने मॉली की है अभी अभी, एक नेड से इन्होंने नॉक निकाला है किंग ऑफ यूनिटी का, किंग ऑफ यूनिटी का एक और रहमान का नॉक निकाल दिया है, विक्रम बान सिंह ने यहाँ पर क्रेटोस को खत्म
खत्म कर दिया। क्रेटोस जो आ रहे थे अंदर ऑन टॉप ऑफ ने के ऑफ के किंग ऑफ यूनिटी के दो लोग जो हैं तीन लोग नॉक कर दिए हैं यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि सिर्फ शाह को भी नॉक कर दिया है अभी अभी हमारे सामने। और ग्रेफिटी के दो प्लेयर्स किंग ऑफ यूनिटी पर टूट पड़े हैं। यहाँ पर आपको मैकेनिक दिखाई दे रहे हैं अपने आपको हील करते हुए, लेकिन किंग ऑफ यूनिटी पूरी तरह से फिनिश हो गई। अब टॉप तीन चार टीम्स बची हैं। ग्रेफिटी के वैम्पायर बिना हेलमेट के खेल रहे हैं इस वक्त और सामने से इनके ऊपर TGS2 के इन्होंने अभी अभी कैफ को नॉक कर दिया। और देख रहे हैं वैम्पायर भैया का ऑसम गेम प्ले और वैम्पायर भैया को लेकिन अभी तक किल नहीं मिली है। डब्बों के बीच में लेट गए, लूट कर रहे हैं, हेलमेट मिल गया वापस। हम वापस चलते हैं, देखते हैं PBX2 की हालत कैसी है। कैफ है नॉक और पीछे पड़े हुए इनके, तो अपने टीममेट पर स्मोक कर रहे हैं ताकि शायद उन्हें बचा सके। यहाँ पर DN की टीम अभी भी इंटैक्ट है, बहुत चिल मारकर बैठे हुए थे। तीन लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे फाइट लेने के लिए, एक को पीछे क्यों छोड़ गए? ऑफलाइन चला गया क्या? नहीं, लकी अलग से आ रहा है। सो हम लकी भैया को देखते हैं कि लकी भैया कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं। सो यहाँ पर कैफ तो रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि आगे यहाँ पर देखते हैं PBX भी ग्रेफिटी पर क्लोज इन कर रही है। सो PBX पीछे की तरफ से ग्रेफिटी पर क्लोज इन कर रही थी। यहाँ पर DN आ रहे हैं लेफ्ट साइड से सामने की तरफ। अब हम जाते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू पे और हम दिखाते हैं आपको कि सारी टीम्स कहाँ कहाँ से मूव कर रही है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर PBX2 के ऊपर SRK के ऊपर शॉट्स आए थे, SRK को फिनिश कर दिया है। SRK की दोनों DN की टीम ने अभी अभी फिनिश किया SRK को। यहाँ पर कैफ अभी भी बचे हुए हैं लेकिन जोन से भागने की कोशिश कर रहे थे। DN डेविल को नॉक कर दिया लेकिन कैफ भी खत्म हो गए। तो PBX2 यहाँ पर एंड होती है और टॉप थ्री टीम्स हमको मिल चुकी है जो कि है ग्रेफिटी, PBX और DN। ये कल वाला ही सीन हो गया लगता है। सो कल भी थी ना PBX, ग्रेफिटी और यही तीनों टीम्स, और आज भी यही तीनों टीम्स हैं। ग्रेफिटी के वैम्पायर की अभी भी किल निकल गई और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बराबर नेड्स की बारिश शुरू हो गई है। सामने से DN जो है अभी तक किल्स ना निकल, सिर्फ तीन किल्स निकाली हैं इन्होंने अभी अभी आते आते दो निकाली हैं। और ग्रेफिट यहाँ पर नेड्स की बारिश हो रही है, वहाँ से PBX की टीम भी क्लोज इन कर रही है। PBX की टीम ने अभी तक कोई किल्स पांच निकाली हैं। ओके, सो इनके यहाँ के किल्स का खाता सब खोल चुके हैं। सो अभी हम लास्ट में देखेंगे कौन सी टीम ने मैक्सिमम किल्स निकाली हैं। सो यहाँ पर नेड्स की बारिश हो रही है, ग्रेफिटी ऑन टॉप, वहाँ DN डेविल की फाइट चल रही है। DN डेविल ने भी ग्रेफिटी का एक नॉक निकाला है, ग्रेफिटी के साथ फाइट चल रही है। वहाँ पर सामने जो है PBX के बाहुबली को नॉक करके फिनिश कर दिया गया है अभी अभी DN लकी द्वारा। सो हम लकी पे मूव करते हैं फटाफट और लकी भैया का गेम प्ले दिखाते हैं आप सबको। सो लकी जो है, लकी ने ऑलरेडी अभी अभी यहाँ पर बाहुबली को फिनिश कर दिया, वो बाय गॉड। और यहाँ पर ऊपर शॉट्स आ रहे हैं, लॉर्ड शॉट्स ले रहे हैं विक्रम मान सिंह पर, विक्रम मान सिंह को नॉक कर दिया है। लॉर्ड भी फिनिश हो गए क्योंकि पीछे से जीत ने उन्हें नॉक कर दिया। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लकी कहाँ रह गए। लकी आ रहे हैं पीछे से लेकिन पहले अपने टीममेट को रिवाइव करेंगे। जीत के ऊपर इन्होंने अभी अभी एक नेड या मोली कुछ किया है, लेट्स सी कि इट कनेक्ट्स और नॉट, और जीत को फिनिश कर दिया। सो ग्रेफिटी को फिनिश करने के बाद इन्होंने PBS को भी फिनिश कर दिया। एंड व्हाट अ ऑसम नेड लकी। सो लकी ने नेड करना सीख लिया, लगता है शेडो एरर की ट्यूशन काम आ गई और DN पहुंच गई टॉप पर। सो DN ने आज टोटल किल्स निकाली हैं 6 और 1 7 किल्स। ऑसम गेम DN, सही रोटेशन, सही जगह, एक सैंडविच सिचुएशन से अब निकल आए। अगर PBX फॉल बैक नहीं करती तो ऊपर जॉब ब्रेकर्स थे और नीचे वो थे। इसके बाद PBX ने भी 5 किल्स निकालकर अच्छा गेम का प्रदर्शन किया और टॉप 2 में पहुंचे। और ग्रेफिटी एज यूजुअल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है पोजीशन, वही टॉप 3 टीम्स हैं जो कल थी। सो ज़्यादा बताने का नहीं है, PBX2 भी लगभग वहीं पर है जहां पर कल थी। और हेल्थ की टीम जो है उसने भी बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाया था और अच्छी किल्स निकाली थी। अब ये सब किल्स में जो है आपको किल्स वगैरह का काउंट जो है वो बता देता हूँ कि किस टीम ने मैक्सिमम किल निकाली हैं। सो 7 किल्स निकाली हैं DNE की टीम ने, 5 किल्स निकाली हैं बाहुबली की टीम ने, और 4, 5, 6 किल्स निकाली हैं ग्रेफिटी ने, और 3 और 1, 4 किल्स निकाली हैं PBX2 ने। यहाँ पर 3 और 3, 6 किल निकाली हैं किंग ऑफ यूनिटी ने, 2 और शेडो ने आज 3 ही किल निकाली हैं। हेल्स की टीम ने भी 2 ही किल निकाली हैं और कोई फ़ायदा नहीं है तो हाईएस्ट उसका देने का, क्योंकि जो टॉप में होती है उसी के ज़्यादा किल्स होते हैं। कि तो ये ज़्यादा किल्स किसके हैं, ज़्यादा किल्स ऑलरेडी इन्हीं लोगों के हैं। सो 2, 3, 2, 5 किल्स इनकी हैं और 6 किल्स 2, 2, 4 और 2, 6। सो ग्रेफिटी ने किल्स से मेकअप कर लिया है। सो 6 किल्स ग्रेफिटी की हैं और 7 किल्स DN की टीम्स की हैं। सो DN हाईएस्ट किल का जो प्राइज़ है वो भी DN की 7 किल्स के साथ और ग्रेफिटी को 6 किल्स के लिए जाता है।
उसके अलावा मुझे तो अभी कोई नहीं दिख रहा, पर मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे नहीं दिखता, तो अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख के बाद में बता दूंगा। बट आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा किल्स नहीं है किसी की। 3, 2, 5, 1, 6 किल्स ही है किंग ऑफ यूनिटी की, पर पोजीशन भी निकाली है क्योंकि ग्रैफिटी ने, तो वो प्राइस भी ग्रैफिटी को ही जाएगा। क्योंकि जो ये मैंने पहले भी बता रखा है, अगर के हाईएस्ट किल्स में भी पोजीशन भी निकालता है तो उससे जाएगा। सो गाइज, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मुझे लग रहा है पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो ज्वाइन होते जा रहे हो वो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम मैचेस होंगे तो उतने ही ज़्यादा फ्री एंट्री मैचेस भी होंगे, अगर प्रीमियम मैचेस कम होंगे तो फ्री एंट्री मैचेस भी कम होंगे। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, और लोगों से शेयर करते रहो, सो दैट मोर एंड मोर टीम्स जॉइंस। थैंक यू फॉर ऑल ज्वाइनिंग इन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज आशुतोष साइनिंग ऑफ, बाय बाय।